नमस्कार, आज हम बात करेंगे भगवान, अल्लाह, माँ या परिवार के लोग, इनके बारे में गलत या बुरे ख्याल आना या सेक्स के ख्याल आना या उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने के ख्याल आना, इसके बारे में। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास में एक लड़का आया, बता रहा था कि मुझे है ना ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई, ठीक नहीं लग रहा मतलब क्या हो रहा है? नहीं, बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत नर्वस है, उदासीनता है। कब से है? बोले 2 साल से हो रहा है। बोले 2 साल से हो रहा है, फिर आपने कुछ किया उसके लिए? नहीं, बोले मैंने कुछ किया नहीं। फिर जब मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया तो बोले नहीं नहीं मैं है ना मेरे माँ बाप को बोलता हूँ कि बाहर बैठो। बोले ठीक है बाहर बैठो भाई। तो उसके माँ बाप को उसने बाहर बिठा दिया और फिर ये बोलने लगा पूरी अपनी राम कहानी। बोले मुझे है ना भगवान के बारे में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जब मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, कोई मंदिर में जाता हूँ, घर का जो मंदिर है मतलब घर में जो पूजा का जो जगह है वहाँ जाता हूँ, तो मेरी नज़र जो है वो भगवान के प्राइवेट पार्ट की तरफ जाती है। यदि देवी है तो देवी के छाती के ऊपर जाएंगी, प्राइवेट पार्ट की तरफ जाएंगी और मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि भाई ये भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैंने ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे बार बार लगते रहता है और फिर मैं बहुत परेशान होता हूँ। ये पहले शुरू हुआ और बाद में फिर मेरे मदर के छाती की मेरी नज़र बार बार जा रही, मेरे सिस्टर की छाती की तरफ नज़र जाती है और अभी मैं मेरे मदर को टालना चालू कर दिया, मैं मदर की तरफ देखता ही नहीं हूँ। वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? तो मैं बोल नहीं सकता, मुझे इतना बुरा लगता है कि ऐसा कैसा मैं बोलूँ, किस तरह से बोलूँ कि मेरे सिस्टर, रियल सिस्टर की छाती की तरफ मेरी नज़र जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ नज़र जाती है, नीचे नज़र जाएगी और विचार आते रहेंगे और कभी ऐसे विचार आते कि क्या मैंने इनके साथ में सेक्स करना चाहिए क्या वगैरह। फिर कभी कभी भगवान के सामने विचार ऐसे आते हैं कि भाई मंदिर में जब जाता हूँ मैं, तो मंदिर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर पेशाब कर डालो। ये संभव नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं नहीं करूँगा, ये मतलब एक्चुअली करने वाला नहीं, और विचार आते हैं, इतना परेशान हो जाता हूँ मैं, तो मैंने अभी मंदिर जाना बंद कर दिया, तो इसके बारे में मैं क्या करूँ? कभी कभी उसको इतना गिल्ट महसूस होता, ऐसा उसने बोला कि बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, लगता है कि भाई मैंने पाप किया है बहुत और उसके लिए मतलब भगवान ने मेरा इतना अच्छा किया है, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे इतना कुछ सब कुछ दिया है और अभी भगवान के प्रति मुझे ऐसे विचार आ रहे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है? ये है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बीमारी है। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं कि जिनको ये बार बार विचार आते रहते हैं। प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने के तो विचार बहुत लोगों को आते रहते, मतलब इसलिए वो मतलब उनका ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति वो कहीं रिसेप्शन में गया, कोई पब्लिक फंक्शन में गया, लोगों में गया, तो उसको लगता है कि भाई मैं कोई लेडी की तरफ देखूं और उसके प्राइवेट पार्ट की छाती की तरफ देखूं, प्राइवेट पार्ट की तरफ देखूं और उनको ऐसा मालूम पड़ा कि मैं देख रहा हूं तो मेरे को मारेंगे, तो फिर उसने जाना ही बंद कर दिया, टालना चालू कर दिया, लोगों को देखना नहीं, चुपचाप जाना, नीचे नज़र झुका के जाना, चले आना चुपचाप, मतलब इतना उसको डर बैठ गया कि भाई कोई कुछ कर देगा तो कैसा होगा। मुझे खुद का रोका नहीं जाता, फिर मैं देख लेता हूँ कभी कभी, और कभी ऐसा घूर के नज़र देख लिया और कोई लेडी ने मुझे देख लिया तो, और वो लेडी ने मुझे देख लिया समझो ऐसा मैं देख रहा हूँ और उसने वो नोटिस कर लिया तो मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि मैं अभी वहाँ से भाग जाऊँ क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसा ये आदमी है। फिर मुझे बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि भाई मैं चलते चलते यदि राइट कदम मतलब दाहिना पैर आगे डालूं तो ये विचार कम हो जाएंगे और बायां पैर आगे डालूं तो विचार आएंगे। तभी ये तो कोई होता नहीं है, दाहिना पैर आगे गया, बायां पैर आगे गया, या ऐसा होता तो है नहीं, मगर उसको विचार आते रहते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग, मैजिक होता है। तो जब घर में विचार आते हैं तो ये तो मंदिर में या कोई जो मुस्लिम पेशेंट हमारे पास में आते हैं उनको अल्लाह के बारे में विचार आते रहते हैं, मस्जिद में जाते हैं वो तो कुरान शरीफ के बारे में विचार आएंगे, उनको लगेगा कि भाई मैं इसके ऊपर पेशा भी कर डालूं, बोले मेरे को तो मार डालेंगे, काट डालेंगे लोग ऐसा मैंने किया। तो फिर इनको क्या होता है कि ये दवा जितना जल्दी आप चालू करेंगे ये लोगों के लिए दवाई तो उतना अच्छा है। लोग क्या करते हैं कि नहीं विचार मत कर, निकल जाएंगे, ज़्यादा सोचता ही है तू, ऐसा बोल के उसको चुप बिठा देंगे। कोई डॉक्टर की तरफ जाता नहीं, उनको लगता है कि क्या पागल हो गए क्या, डॉक्टर केळकर की तरफ जाना है तो, मतलब हमारी इधर तो ऐसा है कि भाई डॉक्टर केळकर की तरफ गए मतलब पागल है, तो ऐसा तो नहीं, पागल तो नहीं हूँ मैं, तो बाकी सब करता हूँ, काम धंधे करता हूँ, सब करता हूँ, तो लोग आएंगे नहीं। धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, फिर उनको लगता है कि भाई मैंने हाथ साफ नहीं किए तो गंदगी अंदर जाएंगी, पेट में जाएंगी,
तो इसलिए बार बार हाथ धोना। फिर उनको लगता है कि मैंने स्नान करना है कि मेरे गंदगी लग गई है, तो वो बार बार स्नान करेगा, घंटा दो दो घंटा पानी वहाँ एक एक ड्रम पानी वेस्ट करेगा। फिर उनको लगता है कि मैंने कभी मतलब कोई बाहर से आदमी आ गया तो उसको लगता है कि नहीं कुत्ते ने चाट लिया होगा, कुत्ते ने स्पर्श किया होगा, या कुत्ते का कोई बाल इसके आंख पे आऊँगा, तो बोलते नहीं नहीं तुम बाहर ही रुको और स्नान करो, उसके से अंदर आने का नहीं। फिर घर के लोगों के ऊपर भी चल हो जाता है कुछ भी विचार, और उनको ज़्यादातर गंदगी के विचार ही आते रहते हैं। तो ये पेशाब करना या प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना या सेक्स करना, इसमें क्या होता है कि ये इसमें गिल्ट में चले जाता है आदमी, और गिल्ट में चले जाता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और उसमें कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है, खुदकुशी भी कर लेता है, और हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि इसने खुदकुशी क्यों कर लिया। बेहतर तो ये है कि जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास में लेकर आना चाहिए। कभी कभी उनको विचार आता है कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा, सेक्स नहीं कर पाऊँगा, विचार इतना इतना हावी हो जाता है कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा, सेक्स नहीं कर पाऊँगा, और बाद में फिर वो एक्चुअली सेक्स नहीं कर पाता है, मतलब हुआ कुछ भी नहीं, विचार आना चालू हो गया। ये लोगों को ऐसा होता है कि एक आधा कोई भी विचार अंदर गया कि वो विचार को वो पकड़ लेंगे, बार 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 इतने बार वो विचार घूमेंगा कि उनको कोई कंट्रोल होता ही नहीं और उनको वो निकलता ही नहीं। मतलब समझो पिक्चर भी गए, सिनेमा भी गए, वो सिनेमा का एक आधा सीन है, एक आधा गाना है, बस उनको बार 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 वही गाना दिमाग में चलेगा, एक आधा सीन दिमाग में चलेगा, और उनको वहाँ से छुटकारा मिलता नहीं है। ये ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव थिंकिंग है, ऑब्सेसिव थाट्स है। तो ये कंपल्शन का होता है कि जब वो उसके ऊपर एक्शन करते हैं कि भाई उसको विचार आते कि अपने हाथ गंदे हैं अभी मैंने धोना चाहिए, तो जाके धोता है वो। तो विचार आने तक समझो एक पार्ट है ऑब्सेशन, कंपल्शन मतलब उसके ऊपर उसको कृति करनी पड़ती है, और उसको ये लगता है कि मैं कृति करूँ, हाथ धो लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, और उसको अच्छा भी लगता है। प्राइवेट पार्ट की तरफ देखूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, अभी विचार चालू हो गया उसको कि मैं भगवान के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखूँ तो अच्छा लगेगा, भगवान के ऊपर मैं पेशाब कर डालूँ तो अच्छा लगेगा, अभी वो पेशाब तो करना नहीं है, फिर उसका जी घबराना चालू हो जाता है। अच्छा औरत के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखूँ, छाती की तरफ देखूँ अच्छा लगेगा, फिर क्या करता है वो इतनी घबराहट होती है वो विचार आता है तो फिर वो देखता है, एक बार तो कम से कम देख लूँ तो मुझे रिलैक्स हो जाएगा, तो एक बार देखता है वो, देखता है तो उसको अच्छा लगता है। अब हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन ऐसा है कि जो भी करने के बाद में हमको अच्छा लगता है वो बार बार रिपीट होता है, तो उसका कंफर्ट जोन में चले गया, रिलैक्स हो गया, छाती की तरफ देख लिया, विचार आ गया, छाती की तरफ देखना है, देख लिया अच्छा लगा, फिर क्या हो गया अच्छा लगा तो फिर वो रिपीट, फिर विचार आएगा, फिर देखेगा, फिर अच्छा लगेगा, और वो विशेष साइकिल में चले जाता है। तो वो पेशाब करने का रहो, या छाती की तरफ देखने का रहो, या सेक्स के पार्ट की तरफ देखना रहो, मतलब ऐसा कुछ भी रहो, तो उसको लगता है कि भाई ये मैं करूँगा उसके ऊपर कुछ कृति तो मुझे अच्छा लगेगा, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे थियरीज है कि भाई ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है कि भाई आपके दिमाग में अनकंट्रोल थाट्स है। अच्छा थाट्स क्यों आए, बार बार अचानक शुरू हो गए, तो ये क्या होता है कि ये लोगों को शुरू से ही ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी रहती है। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मतलब पहले से ही टिपिकलनेस, टाइम टाइम काम करना, साफ सुथरा रहना, जगह जगह पे वही वस्तु वहाँ रखना, नीट एंड क्लीन, मतलब ऐसा ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, ज़्यादा सोचना, ये पहले से ही उनको रहता है, और फिर ये बढ़ते 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 जाके फिर उनको बीमारी हो जाती है ओसीडी की। दूसरा कारण ये है कि उनके घर में और किसी को होगा ओसीडी, माँ को, बाप को, पिताजी को, किसको भी ओसीडी है तो वो देख देख के इनको भी हो जाता है ओसीडी। कोई जेनेटिक कारण भी है कि मेरे माँ बाप को है और जीन्स में आया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग इसको बोलते हैं कि रोको, थॉट्स को रोको। अब इसका थॉट्स से रोकने से तो होता नहीं, बोले नहीं रोक दो यार, ज़्यादा चिंता मत कर, तुम बहुत ही चिंता कर देते, नहीं नहीं इसको रोक दे रोक दे, इसको निकाल दे मन में से, तो ऐसा करने से होता नहीं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि जो थ्योरी बोलती है, एक थ्योरी ऐसे बोलती है कि सेरोटोनिन लेवल्स ब्रेन में कम है करके ये बीमारी होती है। समझो ऐसा है तो हमने फिर बहुत सारे लोगों को SSRI नाम की दवाई दी हुई है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, जिससे सेरोटोनिन बढ़ जाता है ब्रेन में और उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उनको सिर्फ सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन बढ़ाने की दवा दिया उनको अच्छा लगने लगा। सेरोटोनिन बढ़ाने की क्लोमिप्रामिन भी दवाई है, वो भी देने के बाद में उनको अच्छा लगता है, मगर वो भाग्य वाले लोग बहुत कम हैं, सौभाग्य वाले लोग कि जो जल्दी आ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास में जल्दी लोग आते ही नहीं है, परेशान हो जाते साल दो साल तीन साल चार साल निकल जाते फिर हमारे पास में आएंगे, और तब तक बहुत पुरानी बीमारी हो जाती है,
न्यूरोनल प्लेक्सस जो है ना वो एकदम फर्म बन जाते हैं, न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे को ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि अभी उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। उनको देते हैं हम एक तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT का उपचार, या हिप्नोथेरेपी का उपचार, या साइकोथेरेपी, या एक्सपोजर थेरेपी। इसका सार क्या है वो आपको मैं छोटे इसमें बता देता हूँ। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि देखो आपके मन में विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार आप ला रहे हैं? बोलता हूँ मैं ला रहा हूँ। मैं फिर मत लाओ यदि आप विचार ला रहे हो। आप यदि ला रहे हो तो ऐसे विचार क्यों लाएंगे आप? नहीं नहीं बोले मैं नहीं ला रहा हूँ। फिर कौन ला रहा है? बोले वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। मतलब वेरी गुड, अभी आपको ये समझ में आया कि विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आप नहीं ला रहे। मतलब एक जगह आप है, एक जगह ऑटोमेटिक विचार है। तो आपने क्या करना है, अभी वो विचारों को देखना चालू करना है। क्योंकि देखो देखो ये विचार है ना ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ये मेरी ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, ATM है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स ANT एंट ये पैदा कर रही है, और ये मेरे कंट्रोल में है नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है नहीं। और जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा वो पक्के होते जाएंगे। तो हम बोलते पहले कंट्रोल करना बंद करो, स्टॉप कंट्रोलिंग। आप जितना उसको रेजिस्ट करेंगे, नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उतना वो परसिस्ट करेंगे। सो वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, वो आता है वो रहता है। तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है, नंबर एक। नंबर दो, आपको स्वीकार करना है कि ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस कि ये बीमारी है और ये बीमारी मुझे हुई है, ये सबकॉन्शियस माइंड की बीमारी है, ऑटोमेटिक थॉट्स मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो अलग है मैं अलग हूं। उसको रेजिस्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तीसरा यह है कि उसके ऊपर कृति नहीं करना है, जो भी विचार आ रहा है। कृति आप करते हो, जैसे मैंने बताया कि हाथ धो लिया, अब क्या हो गया कि विचार आ गया कि हाथ गंदे हैं, हाथ धो लिया तो क्या होता है, मन को अच्छा लगता है, रिलैक्स ऐसा हो जाता है, फिर विचार आएंगे फिर हाथ धोएंगे। तभी आपने क्या करना है, मैं उनको बोलता हूँ कि अभी उसके ऊपर जो भी विचार आ रहा है वो विचार आपको कोई कृति करने के लिए बोल रहा है, वो कृति करना नहीं है, और कृति नहीं करेंगे तो बहुत घबराहट होंगी। तो आपको रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करना है, रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। लंबी सांस लेके मेडिटेशन करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, उसका मेरा एक सेशन अलग है, हिप्नोथेरेपी फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD के लिए हिप्नोथेरेपी। तो सेल्फ हिप्नोसिस करना है, सेल्फ हिप्नोसिस करके खुद को रिलैक्स करके विजुअलाइज करना है, सजेशंस देना है, अफर्मेशन देना है, और खुद को शांत करना है। तो नंबर एक क्या है कि पहले उसके तरफ उसको रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करना है, नंबर दो क्या है उसको देखना है, एक्सेप्ट करना है, नंबर तीन क्या है कि उसको उसके ऊपर जो कृति करना है वो कृति नहीं करने की है, कंपल्शन नहीं करना है, एक्शन नहीं करने की है। नंबर चार रिलैक्स करने का है, जस्ट रिलैक्स, यदि घबराहट हो रही है जस्ट रिलैक्स। नंबर पाँच, अभी बैठ के उसको डिस्प्यूट करना है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में डिस्प्यूट करते हैं। डिस्प्यूट मतलब क्या है, डिस्प्यूट मतलब ये है कि मेरे मुझे विचार आ रहे हैं कि मैंने हाथ धोना चाहिए, मेरे हाथ खराब है, डिस्प्यूट करो, क्या सचमुच मेरे हाथ खराब है? मैंने एक बार तो हाथ धो लिए, बाद में तो कोई हाथ मैंने लगाया भी नहीं, तो हाथ कैसे क्या खराब हो सकते हैं, ये तो मेरे मन के विचार है, एक्चुअली तो खराब नहीं हुए, मैंने दाहिना पैर आगे डाला सामने डाला तो विचार कम हो जाएंगे। अब दाहिना पैर आगे डाला तो विचार कम हो जाएंगे, इसलिए मैं दाहिना पैर आगे डाला हूँ, ये पेशेंट ऐसा करता है। अभी आपने डिस्प्यूट करना है, देखो तो मैं जब सोता हूँ तो मेरे पैर तो आगे पीछे होते रहते हैं ऑटोमेटिक, तो फिर क्या उस समय विचार कम होते हैं या उस समय विचार ज़्यादा होते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो विचार आ रहे हैं और जो विचार मुझे कंपल्शन करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, ये कैसा इररिलेवेंट है, ये कैसा इनअप्रोप्रिएट है, ये कैसा इम्प्रॉपर है, इस तरह का डिस्प्यूट हमको करना है। और वो करेंगे आप तो आपको बहुत फायदा होता है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, एक्सपोजर करना है। एक्सपोजर मतलब एक्चुअली जब आप हाथ धोने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ अपने आप को रोक देने का है, कितनी भी तकलीफ हो जाए रोकने का है। और वैसे ही सेल्फ हिप्नोसिस में जब आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हो तो विजुअलाइजेशन करना है कि मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं और मैं खुद को रोक रहा हूँ हाथ धोने से, मैं रिलैक्स बैठा हूँ, विचार आ रहे मगर मैं हाथ धोने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ खुद को।
तो क्या होगा, वो ब्रेन को जो रिलैक्सेशन मिलता है हाथ धोने से वो मिलेगा नहीं। हाँ, मुझे विचार आ रहा है कि भगवान के ऊपर पेशाब करना, मैं एक्चुअली तो पेशाब नहीं कर रहा हूँ, विचार आ रहा है, मैं बस रिलैक्स कर रहा हूँ और उसको बाजू में रख रहा हूँ। विचार आ रहा है कि प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना है, तो क्या होता है, आदमी देखता है तो उसको अच्छा लगता है। अभी बोला कि मेरे को विचार आ रहा है कि प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना है, मगर मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं और कहीं देख के और किसी से मैंने बात करना चालू कर दिया। तो इससे क्या होगा, ब्रेन को जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो कृति करने के बाद की रिलैक्सेशन, वो मिलेगी नहीं, तो फिर धीरे 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 विचार कम हो जाए। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। सेल्फ हिप्नोसिस में मैंने बताया कि सेल्फ हिप्नोसिस में रिलैक्सेशन करते हैं, खुद को हिप्नोटाइज करते हैं, मेरे अलग सेशन से वो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसमें खुद को सजेशन देना है, अफर्मेशन देना है, विजुअलाइजेशन करना है, ताकि ये विचार कम हो जाए। और तीसरा है अच्छी मात्रा में अच्छे डॉक्टर से दवाई लेना। अच्छे डॉक्टर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों को यही मालूम नहीं है कि इसके लिए दवाई कौन सी है, और दवाई दिया तो कितनी मात्रा में दवा देना है। बहुत सारे लोगों को क्लोमिप्रामिन दवाई 225 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम पर डे तक देनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को जो एसिटालोपराम है या सरट्रालिन है या फ्लियोक्सिटिन है, हाइयर डोज में देना पड़ता है। फिर हम रेस्पिरिडॉन भी बहुत सारे लोगों को कम मात्रा में देते हैं, उससे भी फायदा होता है। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम करते हैं, और दवाइयों से भी बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। अब ये एक्सट्रीम केसेस है कि इतना परेशान है कि वो पागल जैसा हो गया, बिल्कुल साइकोटिक हो गया है, ओसीडी की वजह से साइकोसिस हो गया उसको। अभी वो सेंसेस में ही नहीं है, तो उस समय फिर शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। एक्चुअली उसको सिजोफ्रेनिया होते हुआ है, साइकोटिक है वो, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, कंट्रोल में नहीं है, तो उसको फिर शॉक ट्रीटमेंट देके टेम्पररी उसका वो भी इलाज करना पड़ता है। अर्थात उसके लिए काफ़ी अच्छा असेसमेंट करना जरूरी है, और जब दवाई से, हिप्नोथेरेपी से, सीबीटी से, सब 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 उपचार जब ख़त्म हो गए, तो आखिरी का वो भी उपचार कर सकता है। कुछ लोगों में सोडियम वेलप्रेट भी ट्राई किया हुआ है, उससे भी फ़ायदा होता है। तो ये हम सब दवाई मिला के उसके ऊपर इलाज करें तो फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने देखा मेरे अप्रोच में या मेरे ट्रीटमेंट में, कि बार बार उसको ये महसूस करवा के देना कि भाई ये मेरे विचार नहीं है, मैं ऐसा विचार करूँगा नहीं। मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा हुआ है सबसे ज़्यादा फायदा उससे होता है जब मैं बात करता हूँ लोगों से कि भाई देखो ये तुम्हारे विचार नहीं है, तुम ऐसे विचार नहीं करेंगे, तुम ऐसे गंदे विचार क्यों करेंगे, भगवान के ऊपर पेशाब करना क्या, भगवान के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना क्या, माँ के ऐसे क्यों करेंगे तुम। हाँ बोले मैं तो नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं, तो उसको देखो, महसूस करो, एक्नॉलेज करो कि मेरे विचार नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड के। और जब वो क्लियरली ऐसे दो अलग देखना देख सकता है ये कि मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, ये बार बार जब देखना चालू करता है तो एकदम अच्छा हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो। बहुत लोगों को बीमारी है, बार बार हाथ धोने की, बार बार स्नान करने की, बार बार प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने की, ऐसे कितनी सारी बीमारियाँ हैं कि बार बार निगेटिव विचार आने की, तो ज़रूर उनको फ़ायदा हो जाएगा। आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि ऐसे इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।